महाराष्ट्र माधा कर्जा महाराष्ट्र माधा। सुनील साहब, आपको लेकर के एनसीपी की ओर से आरोप मढ़े गए हैं, लोग चाहते हैं कि आप जवाब दें, आप क्या जवाब देंगे? मैंने भी आज सुना है कि किसी नगर सेवक ने एक आरोप लगाया है मुझ पर कि मैंने उसका काम रोका है, तो मैं उससे एक पहले सवाल करना चाहता हूँ कि मुंब्रा की जनता को जो काम शुरू किया है ना, उसका लेटर तो दे दो। आपके पास परमिशन है क्या उसकी? तो उसकी परमिशन दे दो। वैसे भी 10 लाख के ऊपर काम करना हो तो उसके लिए म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बहुत बड़े आला नेता आते हैं, अपने माननीय आमदार आते हैं ओपनिंग के लिए, तो वो तो आए हैं क्या? नहीं, आपसे पूछो। आप भी मोहब्बत करते हैं, माननीय कह रहे हैं। माननीय, अरे हमारे आमदार है वो। अच्छा। जब हारेंगे बात अलग है, लेकिन अभी तो आमदार है ना। शुभ शुभ बोलिए। शुभ तो हम सबके लिए बोलते हैं, वो हार जीत की बात वो कल की है जी। वैसे वो जो जिस तरह से अभी एक यानी जो बयान दागा गया, उसके बाद से बारिश भी बरस गई बड़ी तेजी के साथ में, घन गरज के साथ में। ऐसा लगा एक तरफ तो कुछ लोग समझने लगे कि प्रकृति जश्न मना रही, दूसरी तरफ ये हो रहा है कहीं ऐसा ना हो कि मातम मना रही हो। नहीं नहीं, ऐसा है कि खुदा ने कहा है कि ज़्यादा गर्म हो तो जाओ ठंड रहो। अच्छा। उनको उन्होंने ऊपर वाले ने भी जवाब दिया है कि इतना गर्मी अच्छी नहीं है, थोड़ा ठंड रहो। तो मैं ठंडे दिमाग से एक सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि जिस ज़मीन के ऊपर वो कुछ बना रहे थे वो ज़मीन अक्सर तालाब की है, उसके ऊपर गवर्नमेंट ने तालाब का रिजर्वेशन डाला है। मुद्दा पहला एक है। दूसरा एक है कि वो कहते हैं कि मैं हॉस्पिटल बांधना चाहता था, बराबर है। उनके साथी नगर से वो कहते हैं कि मैं स्कूल बांधना चाहता था। कुछ दिनों पहले पेपर में आया था कि वहाँ ट्रांजिट कैंप बनने वाला था जी। तो मैं आप जो मेरा आज इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं आपकी तरफ से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में मैंने एक आवाज़ उठाई है कि आखिर बनना क्या चाहता है, वहाँ बनाना क्या चाहते हैं आप? आखिर आवाम का पैसा है, मेरा टैक्स का पैसा है, वो वेस्ट क्यों हो रहा है? मुझे कुछ मालूम पड़ा कि कोर्ट के अंदर आपका रेलवे का जो मसला, उन्होंने आरोप ये धरा है कि आप विकास को रोक रहे हैं। तो इल्लीगल का विकास होता है? अब ये आप लोग क्लियर कीजिए। इल्लीगल विकास होता है? आपको करना है, जनता का पैसा है, हमारा पैसा है, उसको आप लीगल काम के लिए इस्तेमाल करिए। हॉस्पिटल बनाना है तो खुले मैदान में बनाइए, जहाँ हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है ना, वो तो जगह आपने हड़प करने की कोशिश की है। स्टेशन के सामने जो आप टावर बांध रहे हैं, वहाँ पर हॉस्पिटल का रिजर्वेशन है, वहाँ बांधिए ना आप। कौन नहीं कहता बांधने के लिए, बांधिए वहाँ पर। अच्छा। और दूसरी बात ऐसी है कि ये आवाम का पैसा है, ये ज़ाया नहीं जाना चाहिए। जो आपने ये बनाया है मार्केट, उसके ऊपर इंक्वायरी लग चुकी है। जो आपने स्टेशन के पास काम किया है, उसकी इंक्वायरी सुधर पर करने नहीं लगाई है जी। उसकी इंक्वायरी कोर्ट ने लगाई है। अच्छा। और ये पैसा हमारा पैसा वेस्ट गया है, मेरी जनता का, मेरी मुमरा का पैसा वेस्ट गया है, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। आप लोगों ने RTI निकाली थी, बताया कि 10 लाख का कचरा एक दिन में साफ हुआ था मुमरा में, ऐसा लगता नहीं है। जबकि कचरे नहीं उठाने के लिए आप, उसका भी आपको आरोप लगा है कि प्राइवेटाइजेशन नहीं करने दे रहे लोग। ऐसा है, पहले जो लोग काम पर है, जो लोग आज रोजी रोटी पर है, उनका पहले फैसला होना चाहिए जी, बाद में नए लोगों का सोचना चाहिए। हर एक चीज़ को आप प्राइवेटाइजेशन में लेके जाओगे तो जो लोग ऑलरेडी काम पर है उनका क्या करोगे? घर के लोगों को बाहर निकालना और नए लोगों को बोलना कि आप आ जाओ हमारा घर संभालो, ऐसा नहीं होता है। जो लोग पहले उस रोजी रोटी पर है उनका पहला फैसला करो, उसके बाद आपको जो करना है आप करो। उनका कहना है कि वो लोग काम ईमानदारी से नहीं करते हैं, 30-40% लोग आते हैं और 100 लोगों की हाजिरी लगती है। तो इसकी RTI फाइल करो ना, आपके आमदार है, आप खुद नगर सेवक हो, आप महासभा में बोलते ही नहीं हो। ये तो आप भी जानते हैं कि आमदार साहब हर चीज़ दिखाना नहीं चाहते हैं, इसलिए RTI नहीं डाली जाती है। कम से कम आप लोग कुछ ऐसा पेश नहीं, नहीं 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 मैंने एक नगर सेवक को कल फ़ोन किया था। उसने बोला मेरे यहाँ का कचरा साफ, मैंने उसको बोला तेरे इलाके में कचरा है साफ कर, तो उसने बोला हमारे लिए हमने आमदार रखा है ना, कचरा वो आके साफ कर लेगा। ऐसा कौन सा प्यारा नगर सेवक है, एक नगर सेवक। अच्छा। हाँ भाई, आप लोगों की बिरादरी है, आप लोग कुछ भी कह सकते हैं। नहीं नहीं, हकीकत है, अब सब काम वही कर रहा है तो नगर सेवक को करने की क्या जरूरत पड़ी जी। जी, वैसे आप क्या संदेश देना क्या चाहेंगे आपके ऊपर जिन लोगों ने आरोप धरा उनको और लोगों को? मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ, आई एम फॉर मुमरा, बाय मुमरा, भूमि पुत्र है, ऑलवेज फॉर मुमरा जी। जी, आप भूमि पुत्र हैं? भूमि पुत्र है, लेकिन मेरा कहना एक ही है, मुझे मुमरा ने बनाया है, मैं मुमरा के लिए हूँ, हमेशा मुमरा के लिए रहूँगा। वो लोग भी कहते हैं कि हम लोग भी जो है ना मुमरा के लिए, वो भी है ना। हाँ। लेकिन गलत काम क्यों कर रहे हो, सही करो। साथ में क्यों नहीं मिल जाते आप लोग?
किसके साथ? नीतियों के लिए। हाँ? नीतियों के लिए, विकास। अरे नीति की वजह से तो मैं अलग हुआ हूँ। क्या 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 जिनकी उनकी नीति साफ नहीं है। अच्छा, इसलिए तो अलग हुआ हूँ। अच्छा, आवाम परेशान है। हाँ। राजा माला माल है। हाँ। और क्या। अच्छा। चमचे तो एकदम। पत्रकार भी परेशान है, अगर असल पत्रकार। ये तो आपकी जुबानी आपने बोल दिया, तो अच्छी बात। नहीं, हम लोग तो बोलते हैं। बहरहाल ये बात ना, यानी जो जिस तरह से आज फिर एक मर्तबा खड़ी हुई कि सुधीर भगत जो है विकास के लिए अड़ंगा बने हुए। तो सुधीर भगत अगर विकास के लिए अड़ंगा बने हुए है, तो सुधीर भगत के इलाके में जो विकास हुआ है जी, वो जनता ने जवाब दिया है। ये भी कहा जा रहा है, हमको खबर मिली है कि आप आमदार लड़ने जा रहे हैं। अगर आवाम चाहेगी ना, मेरी मुमरा की माँ, मेरी मुमरा की बहन, हाँ। मेरी मुमरा का भाई, मेरे मुमरा का पिता अगर चाहेगा तो ये लड़का जरूर इलेक्शन लड़ेगा। आपने शिवसैनिकों को उकसाया भी कि भाई युवा नेता चाहिए, लड़ाई नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अच्छा। अब अगर 50 साल का आमदार अपने आप को युवा कहता रहेगा, ओ, 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 तो मैं 35 साल का अपने आप को युवा नहीं कहूँ? बुजुर्ग है वो मुमरा के। वो अगर कहते अपने आप को कि मैं युवा आमदार हूँ, तो फिर मैं कहाँ पर? तो ठीक है, वक्त देखेगा, जवाब वक्त दिएगा। तो बुजुर्ग से बड़ा तो कोई नहीं है, बुजुर्ग के सामने कौन लड़ेगा? अब उन्होंने भी समझना चाहिए, युवाओं का जमाना है, हमें आगे आना चाहिए। यानी अच्छे दिन आ गए या आने वाले? शुरू हो गए। शुरू हो गए।